स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रोटोमोटिव पर। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित और आज का वीडियो हमारा होने वाला है इस शेवरोले टवेरा का। इस गाड़ी को हमने पूरा रिस्टोर किया है। गाड़ी पर काफी ज्यादा छोटे छोटे डेंट्स थे और रस्ट स्पॉट्स भी थे। हमने डिसाइड किया कि गाड़ी का कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, पिस्ता ग्रीन से हम अब इसे एजोरेस ग्रीन जो कि ऑडी का शेड है उसमें पेंट करने वाले हैं। और लोअर बॉटम सेक्शन पे हमने इस पे ग्लेशियर सिल्वर जो कि BMW का शेड है वो पेंट किया है। वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ियाँ जब इतनी पुरानी हो जाती हैं तो उनका मेटल काफ़ी फ्लेक्स कर जाता है जिसकी वजह से मेटल पर वेवीनेस आ जाती है। तो ओल्ड कार्स में हमारा जो भी बॉडी वर्क होता है वो मेनली बॉडी फिलर एंड पुट्टी में बनाना पड़ता है तभी उसको एक्चुअल शेप मिल पाएगा। हमने गाड़ी के फ्रंटल फ्रेम पर एच प्राइमर का एप्लीकेशन कर लिया और उसके बाद हमने सारे जॉइंट्स पर जहाँ पर फैब्रिकेशन वर्क हुआ हो या ओल्ड जॉइंट्स जहाँ पर है वहाँ पर बॉडी सीलेंट अप्लाई कर लिया ताकि ये सारे जॉइंट्स में आगे चल के रस्टिंग प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद हमने पूरे फ्रेम पर एंटी रस्ट कोट कर दिया ताकि आगे चल के गाड़ी में रस्टिंग इशू ना आए। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं गाड़ी पर ग्रीन कलर अप्लाई करने के लिए। इसके लिए हम फाइन लाइन मास्किंग टेप का यूज करके नीचे का एरिया मास्किंग कर देंगे, फिर हम ऊपर का ग्रीन पेंट स्प्रे करेंगे और उसके बाद दोनों ग्रीन एंड सिल्वर कलर को साथ में क्लियर कोट अप्लाई कर देंगे। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि सिल्वर कलर और ग्रीन कलर के बीच में कहीं भी बाउंड्री नहीं दिखेगी, ना ही टच करने पर फील होगी।
टू टोन पेंट जॉब्स हमेशा थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहते हैं। गाड़ी पर काफी मास्किंग कर जानी पड़ती है, दो डिफरेंट टाइम्स पेंट करना पड़ता है, बाउंड्रीज अच्छे से डिफाइन करनी पड़ती हैं। बट जब ऐसी गाड़ी रेडी होती है तो मजा भी उतना ही आता है, क्योंकि ये टू टोन पेंट जॉब गाड़ी को एक बहुत अच्छा लुक दे देता है। गाड़ी का पेंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम पेंट बूथ को हीटिंग मोड पे डालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है वो पेंट बूथ के अंदर का रूम टेम्परेचर है, एंड नीचे जिस टेम्परेचर तक हम हीट करना चाहते हैं वो है। इस हीटिंग यूनिट से डीजल बर्न करने के बाद जो हीट निकलती है उसी से पेंट बूथ का टेम्परेचर बढ़ता है और गाड़ी फटाफट क्योर हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये वीडियो उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें इस गाड़ी पर काम करने में मजा आया है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल ब्रोटोमोटिव सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट परीक्षित। तो चलिए अब फाइनल शॉट्स एंजॉय कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी के फाइनल शॉट्स अच्छे लगे होंगे और हमने इस गाड़ी में बहुत मेहनत की है रेडी करने के लिए। गाड़ी का टोटल लुक चेंज कर दिया, कलर भी थोड़ा शिफ्ट किया। सर को हमने ही सजेस्ट किया था कि आप एजोरेस ग्रीन कलर के साथ जाइए और BMW सिल्वर, ग्लेशियर सिल्वर जो कि नीचे हमने कलर किया है। सर आपको काम कैसा लगा? काम वैसे तो उम्मीद से बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी का कलर अगर चेंज करना हो तो आप ही से करो, यही मेरा सजेशन रहेगा। और जो कलर आप सजेस्ट करते हो वो एकदम बढ़िया रहता है। अभी मैंने आपके सजेशन पे कलर किया था, मेरे को एकदम बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच सर। गाड़ी के डिलीवरी में थोड़ा डिले हो गया, गाड़ी पर जितना काम हमने सोचा था उससे ज़्यादा काम निकल आया। बट हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है, टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए गाड़ी वैसी निकलनी चाहिए कि प्रॉपर काम होके निकले ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। इस गाड़ी पर हमने ए ग्रेड पेंट यूज़ किया है तो ये आगे चल के कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। साथ ही साथ एच प्राइमर भी मारा है और हमने 2K प्राइमर भी यूज़ किया है। क्लियर कोट भी हाईएस्ट ग्रेड क्लियर कोट यूज़ किया है। सो सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू कार और मैं उम्मीद करता हूँ आपके घर वालों को भी गाड़ी अच्छी लगे। गाड़ी तो बढ़िया लगेगी,
क्योंकि मेरे को एकदम बढ़िया गाड़ी लग गई है, तो घर वालों को भी पसंद आ जाएगी। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रोटोमोटिव। मैं हूँ आपका होस्ट परीक्षित, एंड थैंक यू ओमकार सर फॉर चूजिंग आवर सर्विसेज।